वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? यकीनन ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे अपने घरों में और खुशियां बांट रहे होंगे। और जी आज मैं बड़ी ही स्पेशल डिश बना रही हूं जो बहुत ही कम लोग बनाते होंगे, कीमा और अरवी। तो सबसे पहले मैंने कीमा ले लिया था, इसको हम रखेंगे बॉयल होने के लिए। तो कीमे में थोड़ा सा पानी डाल के, तकरीबन ये हाफ़ के जी कीमा है, इसमें मैंने 2.5 गिलास पानी डाल दिया है और 1 चम्मच मैंने नमक का डाला है, 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी डाली है और ये मैं अब इसमें शामिल कर रही हूँ गरम मसाला। तो गरम मसाले में सबसे पहले मैंने बड़ी इलायची डाली है, काली मिर्च है, ज़ीरा है और 2 लौंग के दाने हैं और 1 मैं इसमें डालूँगी सरमन, वो सरमन स्टिक डालेंगे हम इसमें, दालचीनी ये छोटा सा पीस बस हम इसमें इस तरह से तोड़ के इसमें शामिल कर देंगे, ठीक है। तो बस जी हमने इसको बॉईल होने के लिए रख देना है और इसमें एक और चीज़ हमने डालनी है, प्याज डालने हैं कटिंग करके। तो प्याज़ों को मैं कटिंग कर लूँगी और कटिंग करके इसमें शामिल कर दूँगी और साथ ही इसमें लहसुन भी हम कटिंग करके डाल देंगे, पीसेंगे नहीं, ताकि वो कीमे और प्याज़ों के साथ ही गल जाएगा और जो इसकी हमक वगैरह है बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक है जी। तो ये थी अरबी और ये अरबी मैं ले लूँगी और इसको अच्छी तरह से ऊपर से ये छिलके हमने उतार लेने हैं, उतार के और इसको गोल गोल काट लेना है और पानी में नमक डाल के हम इसे रख देंगे, ठीक है। तो बस जी ये मैं आप कटिंग करने लगी हूँ लहसुन की और लहसुन छील के इसको कटिंग करके तो बस मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और कीमा होना शुरू हो गया था बॉयल और पानी इसका गिरना शुरू हो गया था। जब हम बिल्कुल टोटल ढक्कन को बंद कर देते हैं ना तो वो फिर पानी उबल के गिरना शुरू हो जाता है, तो थोड़ा सा आपने ढक्कन को हटा के रखना है और फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है, ठीक है। तो बस जी आपने क्या करना है, लहसुन छील लेना है और छील के उसके बाद हमें लहसुन एज इट इज़ डाल देना है, पीसना नहीं है, ये कटिंग करके मोटा मोटा सा डाल दें, कीमे के साथ ही ये गल जाएगा, ठीक है। तो साथ ही अब मैं प्याज ले लूँगी, प्याज़ों की कटिंग कर लूँगी और कटिंग करके प्याज़ों को भी हम गोल गोल सा काटेंगे, ताकि मैंने आपको पहले भी बताया है गोल गोल प्याज कटिंग करने से प्याज जल्दी गल जाते हैं, ठीक है। किसी भी सालन में अगर आपको ग्रेवी बनानी है और प्याज़ों को जल्दी गलाना है तो आपने प्याज़ों की कटिंग हमेशा गुलाई में करनी है, ठीक है, तो प्याज जल्दी गल जाएंगे, ठीक है। तो मैं बस इस तरह से प्याज़ों को छीलूँगी और छीलने के बाद उनको गोल गोल कटिंग कर लूँगी। और आज आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी तरफ मौसम कैसा है। लाहौर में तो आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी और बहुत ज़्यादा हबस बहुत ज़्यादा हुआ था ना, तो ना तो कूलर की हवा लग रही थी ना पंखे की हवा लग रही थी, बस दिल करता है कि नहाते जाएं ठंडे ठंडे पानी से और बस किचन में तो जाने को दिल करता ही नहीं है ना इस मौसम में। लेकिन जाहिर ही बात है रोज़ाना किचन रूटीन है, वो तो हमने खाना तो बनना ज़रूरी चीज़ है ना, खाने के बग़ैर तो गुजारा ही नहीं है ना हम लोगों के घरों में, रोज़ाना ही हंडिया बननी होती है, सालन बनना होता है। तो इसलिए चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, हमने तो बस वुमेंस जो हैं उन्होंने तो काम करना ही करना है, ठीक है ना, किचन में उनका तो लाजमी ही रहता है। गर्मी सर्दी हम लोग कुछ नहीं देखती, इसीलिए हमें किचन क्वीन कहा जाता है, ठीक है। अच्छा जी, तो हम डाल देंगे इसमें प्याज, प्याज मैंने डाल दिए थे और डालने के बाद इसको अच्छी तरह से बॉयल होने के लिए रख दिया था और प्याज गल चुके हैं, पानी भी बिल्कुल खुश्क हो गया है। तो अब इसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी टमाटर, ताकि टमाटर भी अच्छी तरह से गल जाए, और टमाटर जल्दी गलते नहीं है ना, तो आपने उनको भी गोल गोल काट के डालना है, ठीक है, वो भी जल्दी गल जाएंगे इस तरह। अच्छा जी, तो बस दूसरी साइड पे मैंने क्या करना है, ये मैंने अरबी छील ली थी और इसको गोल गोल कटिंग कर लिया था और नमक डाल के पानी में इसको मैंने रख दिया था। तो बस इसके अंदर हम मधानी चला लेंगे थोड़ी सी, मैंने आपको पहले टिप दी हुई है कि अगर आप मधानी चला लेंगे तो सारी लेस इसकी इस तरह से निकल जाएगी और इस पानी को आप फेंक दीजिएगा और फिर हम अरबी को कर लेंगे फ्राई। और अब मैं घी इस्तेमाल कर रही हूँ फ्राइंग के लिए, आप जो चाहें कर सकते हैं, ऑयल कर सकते हैं और या घी, आपका दिल चाहे जो मर्ज़ी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं घी बस थोड़ा सा ले लूँगी, तकरीबन 2 चम्मच मैंने घी डाला है इसमें और हम अरबी को इसमें अब फ्राई कर लेंगे, ठीक है। अगर आप ऐसे ही कीमे में अरबी को शामिल कर देंगे तो लेस लेस सी बन जाएगी ना। तो अब ये मैं इसके 2 बैच बना लूँगी
और दो बैच में हम इसको फ्राई कर लेंगे। ठीक है, तो बस ये मैंने अरवी ले ली थी, इसका एक बैच मैंने डाल दिया है, इसको करेंगे हम अच्छा सा फ्राई। और फ्राई करने के बाद ये जो बचा हुआ घी होगा यही हम कीमे में डाल के कीमे को भूनेंगे। ठीक है, तो बस ये यहाँ पर हो रही है अरबी फ्राई, और अब ये मैंने कर ली थी और ये चिपकती है साथ ना बर्तन के साथ, किसी भी बर्तन में आप इसको फ्राई करेंगे ये चिपकेगी ना, तो आपने बस ध्यान रखना है कि ये ज़्यादा चिपक ना जाए, बिल्कुल ही लग ना जाए ना बर्तन के साथ। ये देखिए थोड़ी थोड़ी मेरी भी चिपक गई हुई है फ्राइंग पैन के साथ। अगर आप नॉन स्टिक में यूज़ करेंगे इसको बनाएंगे तो ये चिपकेगी नहीं, ठीक है, लेकिन मुझे नॉन स्टिक अभी मेरे पास अवेल नहीं था इसलिए मैं इसको इसमें ही फ्राई कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा जी, तो बस ये अब मैंने कर लिया है इसको फ्राई, और फ्राई करने के बाद ये बचा हुआ सारा ही घी मैं कीमे में शामिल कर दूंगी। मैंने आपको बताया कि कीमे का पानी खुश्क हो गया है और टमाटर कटिंग करके मैंने एक उसमें डाल दिया है, और अब मैं ये बचा हुआ घी इसमें डालूंगी और कीमे को हम भून लेंगे। ठीक है, ये तो जी बस ये घी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, ये देखिए जी घी इसमें सारा ही मैं डाल दूँगी, और ये घी कम है कीमे के लिए। ठीक है, तो इसमें दो चम्मच घी के मैं और शामिल करूँगी और इसको हम अच्छा सा भूनेंगे। और इसमें हमने नमक डाल दिया हुआ है, गरम मसाला और हल्दी शामिल कर दी थी, तो अब हम बाकी मसाले इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो बस ये दो चम्मच में घी के इसमें शामिल कर रही हूँ, और इसके बाद हम इसमें बाकी के मसाले शामिल करेंगे। तो मसालों में क्या है, रेड चिली पाउडर है, अजवाइन है, मेथी है थोड़ी सी, और सूखा साबुत धनिया। ठीक है, बस ये हमने शामिल करना है इसमें, और मैंने कलौंजी भी इसमें डाली थी तो बस मैं दिखाई नहीं मैंने आपको, तो आप इसी स्टेज पे इसमें कलौंजी भी डाल दीजिएगा थोड़ी सी। ठीक है, रूदे पाक पड़ने के बाद। ठीक है, और जी ये कीमा हो रहा है, भुन रहा है, अच्छा सा हम इसको भून लेंगे। वैसे तो साबुत गरम मसाला डालने के बाद इसमें कोई हमक वगैरह रह नहीं जाएगी, ख़त्म हो जाएगी सारी ही हमक, इसमें कोई स्मेल वगैरह बिल्कुल भी नहीं आती, तो फिर भी आप इसको अच्छा से भून लीजिएगा। और ये इसमें अब मैं शामिल कर रही हूँ अदरक, और अदरक को मैंने लंबा लंबा सा काट लिया था, तो बस मैं इसको अच्छा सा भूनूंगी, क्योंकि कीमे में लंबा लंबा अदरक कटा हुआ बहुत ही टेस्टी लगता है। आप चाहें तो पीस के भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें कटिंग करके ही शामिल किया है। ठीक है जी, तो बस मैं इसको भून रही हूँ, और कीमा जब भून जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे अरबी फ्राई हो की हुई। तो बस कीमा तकरीबन भून गया है, ये देखिए जी घी सारा कीमे ने छोड़ दिया है, हर तरफ से घी, ये देखिए छोड़ दिया है कीमे ने, और इसको हम बस अब इसमें डाल देंगे अरबी। चले जी, ये बस मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, और इसको हम अच्छी तरह से हिला लेंगे, इसको इतना पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अरबी फ्राई हुई भी है और कीमा भी तकरीबन पूरा ही भून चुका है और गला हुआ है अच्छा सा, बिल्कुल ये कुक हो चुका है, तो इसको अब ज़्यादा भूनने वगैरह की ज़रूरत कोई नहीं है। बस अब हमने इसको थोड़ा सा ग्रेवी टाइप बनाना है, इसलिए मैं इसमें पानी शामिल करूंगी। अगर आप चाहें तो इसको खुश्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ग्रेवी से यह है कि थोड़ा सा टेस्टी लगेगा ना खाने में, रोटी के साथ अगर आप इस्तेमाल करें, चपाती के साथ या नान के साथ, तो वो खाने में ईजी रहता है। ठीक है, तो भुना हुआ अगर आपने चावलों के साथ खाना है इसको, तो आप इसको भुना हुआ ही रहने दें, पानी मत डालें इसमें, थोड़ा सा पानी डाल लीजिए कि ये आपस में चिपके ना। अच्छा जी, तो बस ये हो गया है कीमा डन, और मैंने बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं डाला, तो तकरीबन मैंने डेढ़ गिलास पानी का इसमें डाला है, हाफ़ केजी कीमा था और तकरीबन हाफ़ केजी ही अरवी है। ठीक है जी, तो ये सालन हो गया है डन, और बहुत ही यम्मी बना था, आप सेम रेसिपी फॉलो कीजिए, बहुत मज़ेदार बनेगा आपका भी सालन और बहुत ही मज़ा आएगा आपको भी। और दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके जी, खुश रहिए, खुश रखिए और आबाद रहिए। ओके जी, धनिया डालिए इसमें खाने सालन में आप, और अदरक डालिए, और प्यारा सा डेकोरेट करके अपने तमाम फैमिली मेम्बर्स को पेश कीजिए, सब एंजॉय करेंगे, आप भी एंजॉय कीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।